हेलो एवरीवन, जय सियाराम। जो अमावस्या सोमवार वाले दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है और इस बार की अमावस्या सोमवती होने के साथ साथ ही श्रावणी सोमवती अमावस्या है, जिसका महत्व और कई गुना बढ़ गया है। और ऐसा माना जाता है कि पूजन करने के बाद इसकी कथा सुनने का भी विशेष महत्व होता है, और अगर आप कथा नहीं सुनते तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और पूजा आप कैसे करेंगे उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है, उसे भी ज़रूर देख लें। और अगर आप पहली बार पूजा कर रहे हैं, पहली बार आप सोमवती अमावस्या उठा रहे हैं, तो उसकी भी वीडियो चैनल पर है, ज़रूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों के गुणों का विकास हो रहा था। वह सुंदर लड़की संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इसकी कन्या की कुंडली में विवाह योग्य बन जाए और इसकी शादी हो जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इस कन्या का वैधव्य योग भी मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से उन्हें अपने लौटने तक आने पर घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चल पड़ी। वह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दे शरीर में वापस से जान आ गई। धोबिन का पति वापस से जी उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो हर अमावस्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है।
अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी शंकर का पूजन करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहले सोमवती अमावस्या के दिन धान पान हल्दी सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल मिठाई सुहाग सामग्री खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण ननंद या भांजे को दिया जा सकता है या किसी गरीब में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार से सोमवती अमावस्या की कथा संपूर्ण होती है। और इसके बाद आप विनायक महाराज की छोटी सी कथा ज़रूर कहें वहीं पीपल के पास बैठकर, या अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप घर पर भी ये दो कहानियाँ ज़रूर सुने और इस प्रकार से आप सोमवती अमावस्या की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते किसी कारणवश पीपल की पूजा करने, तो आप घर पर ही अपने आंगन की जो तुलसी माता हैं उनके सामने बैठकर पूजा करें, उनकी परिक्रमा करें 108 बार, और कुछ भी जो खाने पीने का सामान हो वो उन्हें चढ़ा दें और उसके बाद वो सामान किसी भी गरीब में या किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को भेंट कर दें। सोमवती अमावस्या का पूजन व्रत या तो आपके बड़े बुजुर्ग जैसे आपकी सास वगैरह वो आपको देते हैं, जब वो नहीं कर पाते आगे तो वो आपको देते हैं कि अब आगे से आप करो, या तो इस तरह उठाई जाती है, या फिर आप अगर खुद से उठाना चाहते हैं तो ये पहले धान और पान से ही शुरू की जाती है, उसका नियम होता है, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और भी हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से, तीज त्योहार से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। और अगर वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय सियाराम जरूर से लिख दें। जय सियाराम।